Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and you are watching Law Pipra YouTube channel. So today's topic is section 125 to 120 of CRPC 1973. CRPC is Criminal Procedure Code. So आज हम बात करेंगे सेक्शन 125 से लेके 128 तक, जो कि CRPC में चैप्टर 9 में डिफाइन किया गया है. सो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मेंटेनेंस के मीनिंग के बारे में. मेंटेनेंस का मीनिंग चैप्टर 9 में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. इसका जनरल मीनिंग है किसी को बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, एंड इसका लीगल मीनिंग है किसी को एलिमनी और मनी प्रोवाइड करना. सो अगर इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन कर दिया जाए तो मेंटेनेंस का मीनिंग है किसी को एलिमनी और मनी के द्वारा बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करना. आगे हम बताएंगे सेक्शन मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, ये हमें बताया गया है सेक्शन 125 में. इसमें इस सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि वाइफ अपने हस्बैंड से, चिल्ड्रन अपने फादर से, एंड पेरेंट्स अपने सन और डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. वाइफ उसमें बताई गई है लीगली वेडिड वाइफ. सेकेंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. इसमें एक फेमस केस है श्रीमती यमुना बाई वर्सेस अनंत राव आधव वर्सेस अनंत राव शिवराम आधव. इसमें बताया गया है कि एक पर्सन अपनी किसी सेकेंड लेडी वाइफ स्पाउस के होते हुए भी सेकेंड लेडी के साथ पूरे हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंगली मैरिज करता है, बट फिर भी वो सेकेंड वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल नहीं है. हाँ, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में चन मुनिया वर्सेज वीरेंद्र सिंह में यह बता दिया कि अगर कोई लेडी किसी पर्सन के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से रह रही है एज अ वाइफ, और दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और पब्लिकली भी उनके आसपास के यही मानते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ ही है, तो इसमें भी यही माना जाएगा कि वो अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. वाइफ अपने हस्बैंड से कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है कि अगर उसका डिवोर्स हो गया तो वो डिवोर्स वाइफ ने नहीं उसके हस्बैंड ने उसे दिया हो, या फिर उसने दोबारा री मैरिज ना करवाई हो आफ्टर डिवोर्स, और या फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है. तो इसमें बताया गया है कि अगर मुस्लिम वाइफ है कि जिसमें अगर उनका स्पेशल लॉ या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट है जिसमें उनको मेंटेनेंस दी जाती है. पहले ये एक्ट नहीं था, ये एक्ट बना है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह भानो बेगम केस में, जब मुस्लिम वुमेन जिसको अपने पर्सनल लॉ में कोई मेंटेनेंस नहीं मिला था, इसलिए उसने सीआरपीसी में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम किया था. तो इस केस में कहा गया है कि अगर उनका पर्सनल लॉ है या तो अपने पर्सनल लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर रहे या तो सीआरपीसी में, ये दोनों सेपरेट है. अगर वो सीआरपीसी में भी कर रही है तो सीआरपीसी में जो मैजिस्ट्रेट है वो उसके पर्सनल लॉज में उसको जो अलाउंस दी गई है उसको देखते हुए ही ऑर्डर पास करेगा. सो इससे हमें ये भी है कि जो सेक्शन 125 to 128 है, जो कि चैप्टर 9 है सीआरपीसी में, ये एक सेक्युलर इन कैरेक्टर है. सेक्युलर इन कैरेक्टर मतलब किसी भी रिलीजियन का पर्सन, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. आगे हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो और इलेजिटिमेट हो, वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं टिल द एज ऑफ मेजोरिटी. इसमें बताया गया है कि अगर वो माइनॉरिटी पे है, इसमें माइनॉरिटी उसके अकॉर्डिंग ही है जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में सेक्शन 3 में बताई गई है कि 18 ईयर तक वो अगर एक चाइल्ड माइनर होता है तो इस सो दैट वो एक चाइल्ड यहाँ पे भी 18 ईयर्स तक ही अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. बट अगर कोई डॉटर वो माइनॉरिटी में उसकी मैरिज हो जाती है तो इस केस में पहले वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करेगी, बट अगर उसका हस्बैंड भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में अनेबल है, उसको नहीं मेंटेनेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, तो इस केस में वो माइनर मैरिड डॉटर भी अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. बट अगर वो मेजोरिटी की एज पास कर लेती है तो उसके बाद वो अपने फादर से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है. हाँ, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है और वो कोर्ट में पेंडिंग है और वो उसका ऑर्डर पास तभी किया जाता है जब वो डॉटर मेजॉरिटी की एज पास कर लेती है, तो इस केस में जो वो डॉटर है वो माइनर की एज जब एप्लीकेशन पास की गई थी उससे लेकर मेजॉरिटी की एज तक उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे इंटरिम एक्सपेंसेस कहा जाएगा, वो इंटरिम एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है. हाँ, बट सन
माइनॉरिटी के बाद मेजॉरिटी में भी क्लेम कर सकता है अगर वो फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल है, अगर वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है तो भी वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। आगे फादर, फादर और मदर, फादर और मदर दोनों चाहे पेरेंट्स अपने सन और डॉटर किसी से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें नेचुरल फादर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, नेचुरल मदर भी कर सकती है, अडॉप्टिव मदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और स्टेप मदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उनका कोई उसका कोई अपना चाइल्ड नहीं हो। तो इस केस में चाइल्ड लेस स्टेप मदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इसमें ये एक मेन बताया गया है कि कोई पर्सन अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस पे करने से ये डिफेंस देकर नहीं बच सकता कि उसके पेरेंट्स ने अपने पेरेंटल ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल किए हैं, उसे अच्छी तरह से नहीं निभाए हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। आगे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल होएगी तभी कोई पर्सन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, तभी मेंटेनेंस ग्रांट की जाएगी। अगर वो कंडीशंस नहीं फुलफिल होती है तो कोई पर्सन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। पहला है कि जो पर्सन जिस डिपेंडेंट जिससे मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसके पास सफिशिएंट मींस है मेंटेन करने के लिए। अगर उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, अगर उसके पास मतलब वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा जो भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, तो इस केस में तो उससे वो नहीं बाउंड है मेंटेन करने में अपने डिपेंडेंट को। सेकंड कंडीशन है कि जो डिपेंडेंट जिनसे मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसने मैलाफाइड इंटेंशन, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, या फिर उसने विदाउट एनी रीजन इगोस्टिक बिहेवियर लेकर मना कर दिया है मेंटेनेंस पे करने से, इस केस में भी डिपेंडेंट उस पर्सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 125 के अंदर एप्लीकेशन देकर। एंड देन जो पर्सन मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो अगर सफिशियंटली अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, उसके पास अगर मेंटेन करने के लिए सफिशियंट मींस है तो वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर पाएगा, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर वो इनकैपेबल है वो तभी ही इसी केस में मेंटेनेंस क्लेम करेगा, अगर वो कैपेबल है खुद को मेंटेन करने में तो इस केस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। इसमें एक केस है अब्दुल मुनफ वर्सेस सलीमा, इसमें बताया गया एक वाइफ जो कि वेल एडुकेटेड है, हेल्दी है, वो अच्छी जॉब कर सकती है, बट वो ये रीजन देकर जॉब नहीं कर रही कि उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए, तो इस केस में कोर्ट हेल्ड करता है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं पे करेगा बिकॉज वाइफ के पास सफिशियंट मींस ऑफ लाइवलीहुड है। आगे है कि कितनी मेंटेनेंस पे करेंगे, क्वांट ऑफ मेंटेनेंस मतलब ये कि कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी, ये सब कोर्ट सर्कमस्टांसिस को देखकर ही डिसाइड करेगा। लाइक मैजिस्ट्रेट देखेगा कि अगर रिच फैमिली है तो ऑब्वियसली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगी तो उनको मेंटेनेंस ज्यादा पे करनी पड़ेगी, अगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ पुअर फैमिली है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा तो उनको कम मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। इस अकॉर्डिंगली कोर्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखकर मेंटेनेंस की क्वांटम डिसाइड करता है। सेक्शन 125 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर कोई डिपेंडेंट चाहे तो वो इंटेरी मेंटेनेंस के साथ साथ इंटेरी मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम कर सकता है। इंटेरी मेंटेनेंस जैसे बताया कि जब तक केस चल रहा है एप्लीकेशन से लेकर ऑर्डर पास होने तक उसका डिपेंडेंस का जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो उसके लिए भी क्लेम कर सकता है। आगे सेक्शन 125 सेक्शन 3 में बताया है कि अगर कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है और मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है और जो डिपेंडर है विद इन 1 ईयर कोर्ट में दोबारा उसके अगेंस्ट फाइल कर देते हैं कि उसको मेंटेनेंस नहीं पे की जा रही है, देन जो मैजिस्ट्रेट है उसके अगेंस्ट वारंट इशू करेगी और उसको मेंटेनेंस क्लेम पे करने के लिए कहेगी विद फाइन। बट फिर भी अगर वो पर्सन मेंटेनेंस नहीं पे करेगा देन कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट पनिश करेगी जो कि 1 मंथ की भी हो सकती है या फिर जब तक वो मेंटेनेंस की फुल अमाउंट नहीं पे कर देता तब तक की भी। आगे सेक्शन 126 ऑफ सीआरपीसी जिसमें बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है मेंटेनेंस को क्लेम करने का, कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस कहाँ कहाँ क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं जहां पे जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम करनी है वो पर्सन खुद रहता हो, जो क्लेम कर रहा है डिपेंडेंट वो रहता हो, या फिर जब वो इकट्ठे रहते थे जिस जगह में जब वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो
कोर्ट के जो समन्स होते हैं उसमें जो एविडेंस शो किए जाते हैं, जो भी आपस में उनकी बात होती है वो सारी उस पर्सन के सामने होगी जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम की गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम की गई है वो विलफुली समन में नहीं प्रेजेंट होता, नहीं आता है, तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर दे सकती है। एक्स पार्टे ऑर्डर मीन्स कि जो क्लेम कर है उसके फेवर में ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। सेक्शन 127 में ऑल्ट्रेशन इन अलोवेंस, ऑल्ट्रेशन इन अलोवेंस मीन्स कि कोर्ट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए चेंजेस कर सकता है मेंटेनेंस में, या तो उसको इंक्रीज डिक्रीज या कम कर सकता है। वो देखेगा कि अगर हस्बैंड की पहले कंडीशन अच्छी थी तो वो उसको अब उसकी जॉब चली गई या वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके साथ उसके पास सफिशियंटली मीन्स टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ हमसेल्फ ही नहीं है, तो वो किसी को क्या मेंटेन कर पाएगा। इसको देखते हुए कोर्ट उस मेंटेनेंस जो वो पे कर रहा है अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को देखते हुए वो मेंटेनेंस की अमाउंट कम ज्यादा या कैंसिल कर सकती है। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल है, लाइक वाइफ पहले जॉब नहीं करती थी, पहले वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी, अब उसकी जॉब लग गई है, उसके पास सफिशियंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो इसको भी देखते हुए कोर्ट उसकी मेंटेनेंस की अमाउंट को कम ज्यादा या फिर कैंसिल कर सकती है। सेक्शन 127 सब सेक्शन 2 बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकता है। जो सिविल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो उसको देखते हुए भी मेंटेनेंस की अमाउंट में कैंसिल कर सकती है, उसको कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर एक सिविल अगर सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है एक हस्बैंड और वाइफ को कि वो इकट्ठे रहेंगे, तो इस केस में यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर नहीं पास कर सकता है कि वो हस्बैंड अपने वाइफ को मेंटेनेंस पे करे, क्योंकि वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास करेगा। सेक्शन 127 सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि कोर्ट मेंटेनेंस की अमाउंट डिसाइड करने से पहले उस लेडी को पहले उसने पर्सनल लॉस में दूसरे जो अलोवेंस उसको पे किए गए हैं, जो भी अमाउंट उसको पहले पे की गई है, ऐसे इंटायरी मेंटेनेंस ये सब देखकर ही उसके मेंटेनेंस की अमाउंट में चेंज कर सकता है। आगे सेक्शन 128 में बताया गया है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के बाद उसको एनफोर्स कैसे किया जाए। इसमें बताया गया है कि अगर जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी सेक्शन 125 वो उस पर्सन के फेवर में आती है जिसने क्लेम की थी, डिपेंडेंट के फेवर में आती है, देन उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट उसको प्रोवाइड करेगी। एंड अगर वो चिल्ड्रन के फेवर में आती है देन ये कॉपी चिल्ड्रन के गार्डियन को प्रोवाइड की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर पास करेगा वो इंडिया में कहीं भी किसी भी एरिया में यही ऑर्डर माना जाएगा। ये नहीं कि इंडिया में अगर वो एक जगह में रह रहा है यहाँ पे ऑर्डर पास किया तो वो दूसरी जगह में जाके वो ऑर्डर को नहीं कंप्लाई करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। आगे कि कोर्ट मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास करेगा वो दो कंडीशंस को देखकर ही पास करेगा। फर्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज एंड नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलोवेंस, कि देखेगी कि उसको अलोवेंस मिली है नहीं मिली है, वो चेक करके ही उसको मेंटेनेंस पे किया जाएगा। सो इन द एंड कंक्लूजन यही है कि ये सेक्शन 125 टू 128 जो चैप्टर 9 है सीआरपीसी का, ये एक असेंशियल है। क्यों असेंशियल है? कि इससे जो है डाइवोर्स वाइफ है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको अनयूजुअल लाइवलीहुड, बल्कि उनको अच्छी लाइवलीहुड मिले, अच्छी लाइफ मिले, उनको ऐसी लाइफ ना मिले जो कि उनके लिए अच्छी नहीं है, उसको देखते हुए ये जरूरी है, इसलिए ये सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि ये हर पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपने डिपेंडेंट्स को क्लेम करे, और अगर वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो इन सबको देखते हुए सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी बताया गया है, जिसमें हमें प्रोसीजर, ऑल्ट्रेशन इन मेंटेनेंस, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स, ये सब सेक्शंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू सो मच।